ये भारी भरकम इमारत आजमगढ़ के जाफरपुर में सर्वोदय पब्लिक स्कूल की है। स्कूल की बड़ी बिल्डिंग, बड़ा प्लेग्राउंड और बाकी सब बना है फर्जी जमीन पर। जी, ये स्कूल भी जिले के उन 10 विद्यालयों में शामिल है जिनका फर्जीवाड़ा सरकारी जांच में पकड़ा गया है। जिले के ये नामी ग्रामी स्कूल कॉलेज फर्जी जमीनों यानी सरकारी, बंजर या प्राइवेट जमीनों पर अवैध कब्जा करके चलाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की थी, ये शिकायतें संज्ञान में आई थी कि कतिपय कॉलेजेज और स्कूल जो है सही तरीके से नहीं, अपनी अपनी ज़मीनों में नहीं संचालित हैं। तो इसकी जांच अपने हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी गठित करके करवाई थी। उसके तहत उन बातों में दम था, उसके तहत जो है पाई गई कि कुछ ज़मीनें जो है उन लोगों ने अपने दस्तावेज जो लगाए तो कुछ ज़मीनें सरकारी थी, बंजर भूमि की प्राइवेट ज़मीनें, इस तरीके से चीज़ें पाई गई थी। आज जो मेरी जानकारी में अभी तक 10 विद्यालयों की जांच ये मिले हैं, ऐसे स्कूल जो 10 फर्जी भूमियों पर संचालित मिले। डीएम साहब को जब इस बड़े फर्जीवाड़े की शिकायत मिली तो उन्होंने जांच करा दी। अब जबकि जांच रिपोर्ट में स्कूलों की कारस्तानी पर मुहर लग गई है तो सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इन स्कूलों की मान्यता तक रद्द हो सकती है। कौन कहाँ पे किस स्तर पे त्रुटियाँ हुई, किन विभागों ने अपना की, मान्यता देने वाले विभाग कौन थे और क्या उन्होंने सही किया कि नहीं किया, ये कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर पे अपना विचार करके और विधिक अपनी राय लेकर के जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई अपना करवाएंगे। अब फर्जी भूमि पर चल रहे इन स्कूलों के मैनेजमेंट को नोटिस जारी किया गया है, उनसे सफाई मांगी गई है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि क्या इस मामले में उन सरकारी अफसरों का इलाज नहीं होना चाहिए जिनकी मिलीभगत से स्कूलों ने ये फर्जीवाड़ा किया है। राकेश वर्मा, आजमगढ़, जनमन टीवी।